वीडियो जो अभी आपने अपनी स्क्रीन पर देखा है ये अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य की सीनेट के बाहर का है, यानी कैलिफोर्निया की जो विधानसभा है उसके बाहर का ये वीडियो है, जहां दो ग्रुप्स में टकराव की स्थिति बनती हुई दिख रही थी और आलम ये था कि वहां पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा, घोड़े दौड़ाने पड़े और इसको शांत कराना पड़ा। वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये एक ग्रुप वो है जो समानता की बात कर रहा है, जो जाति के आधार पर भेदभाव को खत्म करने की बात कर रहा है, और दूसरा ग्रुप वो है जो ब्राह्मणवादी है, जातिवाद का समर्थन कर रहा है और वो कह रहा है कि जाति के आधार पर भेदभाव करने में कोई बुराई नहीं है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में एक बिल पेश हुआ है SB 403, और इस बिल में जाति के आधार पर भेदभाव को खत्म करने का प्रावधान है। यदि जाति के आधार पर कोई भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान इस बिल में किए गए हैं। इस बिल को जो सीनेट है उसकी जुडिशियल कमेटी के सामने पेश किया गया था, जहां पर भारत से अमेरिका में जो लोग गए हैं और उनमें दलित बहुजन जो लोग हैं जिनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है, उन्होंने अपनी गवाही दी, टेस्टिमनीज दी, और जो सांसद हैं आयशा वहाब उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, और उसके बाद जब वोटिंग हुई तो इस बिल को जुडिशियल कमेटी ने 8-0 से पास कर दिया, यानी सर्वसम्मति से पास कर दिया। जैसे ही ये बिल पास हुआ उसके बाद अंबेडकर वादियों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन जो मनु की औलाद हैं, जो ब्राह्मणवादी हैं, जो जातिवाद के कट्टर समर्थक हैं, जो भारत से अपने आचार और रोटियों के साथ साथ जाति की बीमारी को भी अमेरिका ले गए हैं, वो इस बिल के विरोध में सड़क पर हंगामा करने लगे। जब एक तरफ अंबेडकरवादी जय भीम का नारा लगा रहे थे तो दूसरी तरफ ये मनु की औलाद जातिवादी सवर्ण भारतीय जो वहां जातिवाद का समर्थन कर रहे हैं ये उनका विरोध करने लगे और बिल के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। यहां तक कि जो कैलिफोर्निया सीनेट है उसके बाहर प्रदर्शन हुआ और जो ट्राम की लाइन है, जो ट्राम ट्रांसपोर्ट होता है, उसकी लाइन तक ये लोग आ गए, हल्ला करने लगे, कैलिफोर्निया की पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा, घोड़े दौड़ाने पड़े और इनको शांत करना पड़ा, वहां से भगाना पड़ा। तो ये आलम है, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे मनु की औलाद जो है वो अमेरिका में जाने के बाद भी जाति को अपने साथ लेकर गई है और वहां जो भारत से जाने वाले दलित बहुजन लोग हैं उनके साथ जातिगत भेदभाव करती है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप एक बात सोचिए कि किसी के साथ किसी के आधार पर भी भेदभाव को बैन करने वाला कानून कैसे कोई इसका विरोध कर सकता है। ऐसी क्या वजह हो सकती है कि ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं। इस बिल में जो प्रावधान है वो सीधे सीधे कहते हैं कि कास्ट को वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रखेंगे, जैसे अमेरिका में रेस यानी नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, एथनिसिटी के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अब ये कैलिफोर्निया राज्य का जो बिल है ये कास्ट को भी प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डाल रहा है कि कास्ट के आधार पर भी आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर पाएंगे, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, आपके काम करने की जगह हो, वहां पर आप भेदभाव नहीं कर पाएंगे। लेकिन मनु की औलादें उसी का विरोध कर रही हैं और कह रही हैं कि जाति तो कोई समस्या ही नहीं है, जाति तो हम हिंदुओं की पहचान है, हम सब हिंदू एक हैं, जातियों में इसका बंटवारा मत कीजिए। अमेरिकन हिंदू फाउंडेशन जैसे जो सवर्णों के ग्रुप्स हैं, वहाँ क्षेत्रीय जो जातियों के आधार पर बटे हुए ग्रुप्स हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, और ये तस्वीरें उसके गवाह हैं कि कैसे ये लोग जाति के कट्टर समर्थक हैं। Thank you.
the chance to get inside. पूरा वीडियो बनाने खा रहे हैं। एक तरफ ये जातिवादी लोग थे और दूसरी तरफ बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर में यकीन रखने वाले अंबेडकरवादी लोग थे और इन्होंने डटकर इनका सामना किया। और इससे पहले का भी एक आप वीडियो जरूर देखिए, मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा जहां एक पंक्ति में खड़े होकर जो अंबेडकरवादी हैं वो इस बिल पर वोट करने के समय यस यस कह रहे थे और जो मनु की औलाद है वो नो नो कह रही थी कि इस बिल पर वोट नहीं होना चाहिए। लेकिन बावजूद उसके जो अंबेडकरवादी लोग हैं वो कानून में यकीन रखने वाले लोग हैं, उन्होंने बिल के लिए कैंपेन चलाया और किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई। जबकि जो जातिवादी लोग हैं वो आपको वीडियो में नजर आएंगे कि कैसे वो पोस्टर्स को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, धक्का मुक्की करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए। लेकिन बावजूद इसके अंबेडकरवादियों की जीत हुई और कैलिफोर्निया सीनेट की जो जुडिशियल कमेटी है उसने 8-0 से बिल को पास कर दिया। जैसे ही बिल पास हुआ वहां जबरदस्त खुशी का माहौल हो गया, अंबेडकरवादियों ने जश्न मनाया, हर कोई जय भीम जय सावित्री के नारे लगा रहा था। आप कुछ वीडियो देखिए। बिल्कुल बिल्कुल करके असि एडवांस दे विच मुंह मिठा आए हाय आए हाय आए हाय आए हाय वाजी वाह। इस करके सारे नु वीरा नु भैणा नु बेनती है मुंह मिठा करो एडवांस। यस एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो मुझे मिला है जिसमें कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं और उस ट्रैवल के दौरान वो लोग गाना गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं कि हम जाति को खत्म कर देंगे, आज हम जाति का विनाश कर देंगे। ये गाना सुनिए, बहुत प्रेरित करने वाला है। We shall end the past today.
अंबेडकर वादियों में जो जश्न की खुशी है उसके साथ साथ हमें उनके चेहरे पर उभरने वाले उस गम और उस दर्द को भी याद करना चाहिए जो सदियों से उनका समाज झेल रहा है। भारत की जाति व्यवस्था ने उन्हें इंसान नहीं माना और तमाम तरीके की दरिंदगी उनके साथ की गई, उन्हें परेशान किया गया और जब वो बेहतर भविष्य की आस में अमेरिका जैसे मुल्कों में गए तो वहाँ पहले से ही पहुँचे जो अपने कास्ट प्रिविलेज की वजह से वहाँ पहुँचने वाले लोग थे, जो सवर्ण भारतीय थे, उन्होंने उनके साथ जातिगत भेदभाव करना शुरू कर दिया और सालों के आंदोलन के बाद, सालों के इस एंटी कास्ट मूवमेंट के बाद आज कैलिफोर्निया में एक बिल जो है वो बनने वाला है। वहां जल्द ही इस बिल पर अब वोटिंग होगी और ये बिल पास होने के बाद कैलिफोर्निया अमेरिका का पहला राज्य बन जाएगा जहां पर जाति के आधार पर भेदभाव करने को बैन किया जाएगा। ये सिर्फ कैलिफोर्निया के लिए अहम नहीं है बल्कि पूरे अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम हो जाता है और यही वो वजह है कि जिसने मनुवादियों में खलबली मचा दी है वो घबरा गए हैं कि अब वो कैसे अपने कास्ट प्रिविलेज को एंजॉय करेंगे, कैसे वो भेदभाव करेंगे, क्योंकि उनकी रगों में जाति जो है खून बनकर दौड़ रही है और वो इंसान नहीं बनना चाहते, क्योंकि अगर वो इंसान बनना चाहते तो वो इस बिल का विरोध नहीं करते। बिल समानता की बात करता है, इक्वेलिटी की बात करता है, समानता के आधार पर आप सबके साथ व्यवहार करेंगे, पेश आएंगे, किसी के साथ जातिगत उत्पीड़न नहीं करेंगे। ये बात मानने के लिए भला कौन से रॉकेट साइंस की जरूरत है, कौन से बड़े बदलाव की जरूरत है। दीज आर द बेसिक ह्यूमन वैल्यूज और इसमें यकीन रखना हर एक इंसान की ड्यूटी है। ऐसा वो नहीं कर रहे जबकि इसके विरोध में लगातार वहां बसे सवर्ण हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अफगानी मूल की जो सांसद हैं आयशा वहाब, जब उन्होंने ये बिल पेश किया था कैलिफोर्निया सीनेट में, तब वहां बसे सवर्ण भारतीयों ने उनके दफ्तर के बाहर बाकायदा प्रदर्शन किया था, हाथों में बड़े बड़े पोस्टर लेकर कहा था कि जो इंडियंस लोग हैं, हिंदू लोग हैं, उनका बंटवारा मत कीजिए, हिंदू फोबिया में मत आइए और जाति तो कुछ होती ही नहीं है। हद तो ये हो गई कि ये सवर्ण भारतीय है अपने आप को दलित बहुजन बताते हुए प्ले कार्ड्स लेकर वहां खड़े थे और प्ले कार्ड्स लेकर ये दिखा रहे थे कि देखिए हम दलित बहुजन हैं, जो कि झूठ था क्योंकि दलित बहुजन जो लोग हैं वो इस बिल के लिए लगातार कैंपेन कर रहे हैं, लगातार वहां बसे अंबेडकरवादी इस मूवमेंट में हिस्सा ले रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। कुछ तस्वीरें देखिए, ये जो रविदासिया कम्युनिटी है वहां बसे हुए लोग हैं जो संत रविदास के आदर्शों में यकीन रखते हैं, वो लगातार इस आंदोलन के लिए अपने गुरु घर को समर्पित कर रहे हैं, वहां मीटिंग्स होती हैं। आयशा वहाब का एक वीडियो वहां आया है जिसमें पहली बार मीटिंग हुई थी जब इस पर जिक्र हुआ था कि एंटी कास्ट बिल को पास किया जाए, वहां रैली करने वाले लोगों के लिए लंगर का आयोजन किया जाता है और तमाम तरीके के काम वहां आगे बढ़ रहे हैं। तो वहां बसे अंबेडकरवादी लोग, रविदासिया समाज के लोग, दलित बहुजन समाज के लोग जाति की बीमारी को खत्म करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जबकि सवर्ण हिंदू वहां भी जातिवाद को बनाए रखना चाहते हैं। जो सवर्ण हिंदू हैं खासकर भारत में और जो आरएसएस की विचारधारा है उसके समर्थक लोग कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने का वो सपना देखते हैं। क्या यही वो हिंदू राष्ट्र का सपना है जो दलित बहुजनों को जाति के आधार पर उत्पीड़न से बचाव करने वाले कानून का विरोध करने के लिए तैयार करता है? क्या यही वो आपका हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है जिसमें आप उस कानून का विरोध करते हैं जो सबको बराबरी और समानता का हक देता है? तो क्या आपका हिंदू राष्ट्र समानता विरोधी नहीं है? क्या आप समानता विरोधी नहीं हैं? आपके अंदर जो जातिवाद का जहर है वो इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है? आपको सोचना चाहिए कि जब दुनिया आपको समानता का पाठ सिखा रही है, कह रही है कि इंसान बन जाइए, बेसिक ह्यूमन वैल्यूज में यकीन रखिए, मानवता में यकीन रखिए, किसी के साथ भेदभाव मत कीजिए, तब आपके अंदर भेदभाव का कौन सा कीड़ा है जो आपको भेदभाव का बचाव करने के लिए और जाति के आधार पर बंटवारे में यकीन रखने के लिए मजबूर कर रहा है? ये वक्त है कि जो सवर्ण हिंदू हैं वो अपना आत्मचिंतन करें, खासकर अमेरिका में बसे सवर्ण हिंदुओं को ये जो है इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि वो क्यों भेदभाव का समर्थन कर रहे हैं, वो क्यों जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। हमें यहाँ पर अंबेडकरवादियों की सराहना करनी चाहिए कि वो तमाम उकसावे के बाद भी अपने धैर्य को बनाए हुए हैं और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और हमारे पुरखों के रास्ते पर चलते हुए जाति के विनाश की लड़ाई लड़ रहे हैं।
बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि भारत के जो लोग हैं वो जब दुनिया के बाकी हिस्सों में जाएंगे तो जाति की बीमारी को साथ ले जाएंगे और जाति एक वैश्विक समस्या बन जाएगी, लेकिन अब वहां बसे अम्बेडकरवादी अपनी मेहनत से अपनी लगन से जाति की बीमारी का पक्का इलाज कर रहे हैं। इस वीडियो में जो बातें मैंने बताई हैं, इस वीडियो में जो घटनाएं मैंने आपसे बताई हैं, उस पर आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं, आप अम्बेडकरवादी पत्रकारिता को बढ़ावा दे सकते हैं। आप इस QR कोड को जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसे स्कैन करें और अपनी आर्थिक मदद हम तक पहुंचाएं। आपसे अपील है कि आप हमारा समर्थन करें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए और जो न्यूज़बीक फाउंडेशन का अकाउंट है इस खाते की डिटेल्स में भी आप अपनी आर्थिक मदद हमें भेज सकते हैं। आप 12A और 80G के तहत इनकम टैक्स की रिबेट भी हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आप अपनी ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट डोनेशन स्पेस आपका नाम लिखकर 8595794224 पर व्हाट्सएप करें, हम आपको रसीद देंगे जिससे आप इनकम टैक्स का जो रिबेट है उसका भी फायदा ले सकते हैं। साथ ही आपसे अपील है कि अम्बेडकरवादी पत्रकारिता का हौसला बढ़ाएं, हमारे वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ बीक। Thank you.